हेलो भाई, मैं पवार। डिलीवरी ले लिए भाई फाइनली किया सेल्टोस की। ये है HTE बेस मॉडल है ये डीजल के अंदर। फेसलिफ्ट IMT इसके अंदर आता है भाई, मैनुअल किया वाला निकाल दिया है। आज पूरी प्राइस और फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं बेस मॉडल में कि क्या क्या आपको मिलता है। सबसे पहले कीमत है भाई इसकी 11,99,000 रुपये एक्स शोरूम। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे है इंश्योरेंस, TCS, एक्सटेंडेड वारंटी, RC, ये सब कितने का पड़ के, ये 13,60,000 की होती है। अब आप इनको ऐड करोगे तो भाई ज़्यादा ही अमाउंट बनता है, लेकिन अभी दिसंबर का महीना है तो किया वाले थोड़ा सा डिस्काउंट दिया अपने एंड से 15-20,000 रुपये का। तो ऐसे करके ये 13,60,000 रुपये की नेट हमको पड़ी है। और शोरूम पे भी पूछा था भाई, वो लोग थोड़ा सा ना हाई फाई रेट बोल रहे थे, तो इन वालों ने किया वाला, जैसे नई डीलरशिप है हमेशा पकड़ो कि नई डीलरशिप अगर खुली है ना तो वो हमेशा सस्ता देने के चक्कर में, क्योंकि उनको टारगेट पूरा करना होते हैं, तो वो डिस्काउंट अपने एंड से दे देते हैं। तो ये पलवल से हमने गाड़ी ली तो उसके चक्कर में हमको डिस्काउंट मिल गया 13,60,000 रुपये की। प्रॉपर हमको बेस मॉडल डीजल के अंदर IMT में मिल जाता है। सबसे पहले की आप बात करोगे तो इस तरीके की कर दिया भाई, पहले से बिल्ड क्वालिटी वाइज तो भाई बहुत प्रीमियम हो गई है। और बटन इसके यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, लॉक का बटन है, अनलॉक का बटन है। अब थोड़ी आवाज़ भी है ना, थोड़ी हॉर्न ने थोड़ा सा इन्होंने चेंज सा किया है यार, मतलब थोड़ा सा ऐसे लगता है कि पावर कम सी मिल रही है इसको, थोड़ा सा ऐसा हो गया है। होल्ड करके रखते हैं तो बूटी पे अपना अनलॉक हो जाता है और ये खाली रहता है दोनों साइड से। फ्लिप की आती है भाई इसके अंदर, कीलेस एंट्री वगैरह हमको नहीं मिलती है। यहाँ पे हैलोजन लाइट मिलती है भाई, पूरा इंडिकेटर इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे ग्रिल इसमें बदल दी गई है नीचे एक साइड। और यहाँ पे आप बात करोगे फॉग लाइट वगैरह आपको इस वाले वेरिएंट के अंदर देखने को नहीं मिलती है। सिंपल बेसिक सिल्वर कलर की यहाँ पे आ रही है, क्रोम वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। साइड से बात करते हो तो भाई सेल्टोस IMT डीजल के अंदर आपको बेस मॉडल में 16 इंच के स्टील रिम्स ही देखने को मिलते हैं, 205/65/16। ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं भाई, सेंट्रल लॉकिंग गाड़ी के अंदर आ रही है। इसकी जो ये वाली प्रोफाइल है ना 205 भाई, ये इतनी पतली लगती है ना, बहुत गंदी, सच बता रहा हूँ। इवन सोनेट में भी हमको 215 देखने को मिलती है, ये बहुत इरिटेटिंग सी है। तो भाई टायर तो बड़े नकली से लगते हैं इसके, रियलिटी में तो बदलवाने में ज्ञान है इनको तो। बाकी आपको ये जो मिरर वगैरह है यहाँ पे कोई ये इंडिकेटर वगैरह ना मिलेगा, ये बेस मॉडल वाली चीज़ अपनी किया वाले दिखाते हैं, यहाँ पे डाल रखा है। और जो सीसे है ना, अगर ये आपको एडजस्ट करने हैं तो उसके लिए भी भाई यहाँ पे डंडी दे रखी है। हद यार, हद की बात है। यहाँ पे बात करोगे पीछे भी डिस्क ब्रेक हमको देखने को मिलती है, ये आप देखिए इसकी डिस्क चमक रही है। पीछे से सेल्टोस की बात करोगे तो भाई ये पीछे से बहुत बढ़िया लगती है, आगे से साइड से बिल्कुल डिफरेंस नहीं लगता पुरानी वाली से, लेकिन पीछे से बहुत मेजर डिफरेंस नजर आता है। पूरी कनेक्टेड सी ये लाइट आ गई, लेकिन हालांकि ये जलती नहीं है, इसमें केवल ये बल्ब दे रखा है, यहाँ पे भी बल्ब दे रखा है, LED नहीं है इसके अंदर कहीं भी, तो ये जलेगा नहीं। टॉप लाइट्स में पूरी जलती है, किया छोड़ के बस किया के पीछे नहीं जलता ये। अरे अपना ब्रांड लोगों भी चमकाने लगे तो कितना प्रीमियम लगा करेगा, एक किया वालों ने सोचा नहीं। अरे इनकी क्यों प्रमोशन कर रहे हैं हम लोग फालतू में यार, ये भी देखना दो जगह चिपका के दिया है, बिल्कुल हद है यार, मतलब कभी वो नहीं छोड़ सकते कहीं अपना प्रमोशन। हट, इसको मैं निकाल देता हूँ भाई, बुरा लगता है देखने में, आप भी हटा दिया करो। बहुत लोग तो इतने 10-10 साल पुरानी गाड़ी हो जाती है, डीलर का नाम ही और वो ही नहीं हटाते उस पर नाम पता है भाई यार, कतई छूट ही ना रहे यार, कोई मतलब है पूछना तो चाहिए कस्टमर से कि भैया अपनी आपकी गाड़ी पर लगा मैं ना लगा मैं, पति परमानेंट ये तो मजबूर कर दिया इंसान को। रहने दे, छोड़, थिनर तो चढ़ाएंगे पेट्रोल से, उससे ही जाएगा ये। 433 लीटर्स का अपने को यहाँ पे बूट स्पेस मिलता है भाई देखने के लिए। और यहाँ पे पास अल्ट्रा हमको इस वेरिएंट में देखने के लिए नहीं मिलती है, वो हमसे हमको बाहर से लगवानी पड़ती है, ना कोई लाइट आएगी। यहाँ पे हमको मिलेगा इसके स्पेटर, गुडियर के टायर दिए, चलो बढ़िया, कुमो के नहीं है इसके अंदर। R16 ही मिल रहा है, यहाँ पे कंजूसी नहीं करी किया वालों ने, 16 से नीचे तो क्या ही जाएंगे, 205 में ही करके बहुत बड़ी बात कर दी। एक चीज़ है भाई, किया ये गाड़ियों में ना ह्यूंडई किया कि मैं फिट एंड फिनिश में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। आप कहीं से देख लो पूरा, आपको पूरा का पूरा सेम एक्सार देखने को मिलेगा। यहीं टाटा होती ना इतनी जगह तो मैं गिनवा देता, आप खुद देखो कहीं से भी आपको इतना सा फर्क नहीं दिखेगा, सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन आपको प्रॉपर देखने के लिए मिलता है। ये देखो ऐसे ही थोड़ी लिया है भाई, किया एक्सपीरियंस कर रखी है तब लेके आए हैं। पीछे से देखो यहाँ पे इसका बैक लाइट वगैरह दे रखा है, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर हमको मिलेगा, कैमरा कुमरा कुछ भी नहीं आएगा, बस एक शार्क एंटीना ऊपर दे रखा है। गाड़ी मस्त लगती है यार, बड़ी बड़ी सी 13,60,000 रुपये में वैल्यू फॉर मनी है यार। अंदर चलते हैं गाड़ी के, चलो भाई पीछे से चलते हैं इसके अंदर। इस बार यहाँ पे देखो इसके अंदर क्रेटा में क्या था, 60-40 स्प्लिट सीट्स आती हैं, इसके अंदर नहीं डाल रखा यार किया वालों ने, ये वेरी बैड है यार। उसके अंदर आर्मरेस्ट तो नहीं आता, पर 60-40 का अलग ही मजा आता है यार। इसके अंदर पूरी ये एक ही सीट है, उसके अंदर हम अलग अलग इनको लुटा सकते हैं, मतलब आराम से। पीछे AC वेंट दे दिए, 2 टाइप C पोर्ट दे दिए, यहाँ अपना फोन वोन रख लो। गाड़ी में कहीं भी टाइप ए पोर्ट है ही नहीं भाई, टाइप सी भर दिए, कुछ ज़्यादा एडवांस चले गए किया वाले। यहाँ पे हमको पीली लाइट मिलेगी इसके अंदर, और बेस मॉडल से ही अब हमको ये कर्टेंस भी देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई, ये मस्त है, ये वाली चीज़ बहुत प्रीमियम लगती है। बाहर से वो जाली वाली लगाने से अच्छा तो ये है, चारों पावर विंडो हमको देखने के लिए मिल रही हैं, स्पेस वगैरह हमेशा से कोई दिक्कत ही नहीं रही है, बढ़िया गाड़ी है एकदम, सीट्स वगैरह हर चीज़ कंफर्टेबल है। ये आपको फिक्स्ड मिलते हैं इसके अंदर, ये नेक रेस्ट जो है अपने यहाँ पे आपको सेंटर में नहीं मिलेगा, बीच में लिटिल सा भाई हम भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलो अब आगे चलता हूँ गाड़ी में, आगे क्या मजा है। यहाँ पे देखो बेस मॉडल में यहाँ पे भी कोई क्रोम व्रोम नहीं मिलेगा आपको, ये वाली चीज भी
चलिए भाई, आपको सबसे पहले जो सीट मिलती है ड्राइवर हाइट एडजस्टेबल मिलती है बेस वेरिएंट में। यहाँ पे चाबी लगाने का जुगाड़ यहाँ पे दे रखा है, ऐसे अपनी फ्लिप की को ऐसे मिटाओ और ऐसे चाबी घुसाओ एंड यू आर गुड टू गो। ये देखो भाई कितना बढ़िया इसका मीटर कर दिया आप किया वालों ने। फैब्रिक की सीट आएंगी भाई, कुछ भी आप लेदर फेदर या सेमी लेदर वगैरह एक्सपेक्ट ना करें, जैसे सोनट वगैरह में देते हैं। ये है भाई ओवरऑल इस गाड़ी का इंटीरियर। यहाँ पे हजार लाइट को हम कर देते हैं बंद, ये आपको कुछ सिस्टम मिलेगा इसका। अब इन्होंने ये डिस्प्ले नीचे कर दिया, पहली वाली सेल्टोस में हाथ तक आया करती थी, बट अब नाउ दिस इज डाउन। स्टीरियो वगैरह नथिंग, बस ये अच्छी चीज है कि ये अभी भी इन्होंने ये ग्लॉस में दे रखा है, मैट में नहीं दिया है। यहाँ पे आप बात करोगे तो इस तरीके की स्क्रीन आती है, टायर प्रेशर भी बताता है गाड़ी के अंदर, TPMS का फीचर भी है बेस मॉडल से। 6 एयरबैग है मेन चीज, 6 एयरबैग अब इन्होंने स्टैंडर्ड कर दिया अपनी हर गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आप बात करोगे क्लस्टर वगैरह की सेटिंग है, दुनिया भर की चीज़ें इसकी, मतलब ये बढ़िया लगता है देखने में। 3 सीट बेल्ट अगर नहीं लगाई तीनों ने तो तीनों का बताते हैं। क्लस्टर में आप काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, ड्राइवर असिस्टेंट में ऐसे मत समझना कि एडास वगैरह इस बेस मॉडल के अंदर, वो सब नहीं है भाई। डोर ऑटो लॉक अनलॉक वो सब बताता है। कन्वीनियंस पे सर्विस इंटरवल यूनिट वगैरह आपको फेरनाइट में चाहिए, टेम्परेचर की वो सब बताता है। एक प्यारी चीज़ और देखिए भाई सेल्टोस में आप जो ऐड कर दिए, इसके अंदर कोई स्पीकर वगैरह नहीं आ रहा है कहीं भी, कोई भी स्पीकर नहीं है, कोई स्टीरियो नहीं है, लेकिन स्टिल जैसे हम गाड़ी बंद करते हैं आवाज आती है। अब ये कहाँ से आवाज बना रही है जबकि स्पीकर नहीं है, कहीं से इधर से आ रही है, तो इन्होंने कोई छोटा हल्का पतला सा स्पीकर ऐड कर रखा है जिससे ये आवाज ऐड होती है। पहली वाली सेल्टोस में ये साउंड नहीं आया करती थी, इन्होंने ह्युंडई जैसे ह्युंडई करती है ना टन ऑफ करने के बाद, तो इन्होंने अब ऐड कर दी है। मतलब टॉप वेंट्स में तो पहले भी आता था लेकिन बेस में नहीं आता। एक चीज और है यार, इन्होंने किया वाले जैसे नई गाड़ी है ना ब्रांड न्यू कर ली, जैसे इसकी डिलीवरी ली है तो यार ये हवा देखो कितनी भर के देते हैं, और इससे इतनी बम्पी राइड हो जाती है ना 47, 48, 46, 46, क्योंकि पीछे से इतनी आती है। और यहाँ पे लिख के देते हैं ये लोग कि भैया 35 PSI हवा होनी चाहिए। आप किसी भी गाड़ी में देखोगे वहाँ पे रिकमेंडेड लिखी रहती है 35। तो इसकी जो चारों टायर्स में से हवा कम कर लेते हैं क्योंकि भाई फटफटा जाए हीट होके तो कोई फ़ायदा वाली चीज़ नहीं है। और भाई इनमें ना सेंसर्स लगे होते हैं, कोई जैसे कभी आप नकली दुकानों पे खुलवाते हो ना अपने इनको हवा भरवाने के लिए, तो ये बड़े महंगे रहते हैं। ये कभी आपको कोई चूना लगा दे सेंसर निकाल ले इससे, तो अपना ढंग से उतर के एक बार जब भरवाया करो हवा, इस तरीके से इसकी निकाल देते हैं भाई चारों टायर्स की। अब की ये IMT वाली है ना, तो इसके अंदर भाई एक चीज़ और आप नोटिस करिए, इसके अंदर भाई हमको क्लच नहीं देखने को मिलती लेकिन गियर मिल जाता है। तो दिस इज कॉल्ड IMT इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। ये अब किया में क्या कर दिया सेल्टोस में कि अब आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ही नहीं मिलता, या तो आप इनका ये IMT वाला सिस्टम खरीदो कि भैया क्लच नहीं रहेगी केवल गियर गिर रहेगा, या फिर ऑटोमेटिक खरीदो। और ऑटोमेटिक भाई आपको मिलता है HTX में जाके, HTK प्लस तक आपको ये IMT वाला सिस्टम मिलेगा डीजल में। पेट्रोल में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिलता है, लेकिन डीजल लेना है क्योंकि यार इनका 1.5 इनको पता है जैम है इंजन जैम, तो अब इन्होंने मजबूरी से क्रिएट कर रखी है भाई। कोई भी वो नहीं है भाई अपने स्टेयरिंग कंट्रोल वॉल्यूम के लिए, यहाँ पे हमको ये बस इसके लिए मिलता है। क्रूज कंट्रोल वगैरह हमको इस वेरिएंट में नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे हमको मिलता है इसका मैनुअल AC के कंट्रोल, AC वेंट्स का डिजाइन इस बार चेंज कर दिया है। गियर नॉब अपने को नॉर्मल मिलेगा, यहाँ पे फोन वोन हम रख सकते हैं, 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिलेगा, और यहाँ पे हमको मिलता है USB टाइप सी जहाँ से हम अपना फोन वोन चार्ज कर पाएंगे। यहाँ इसके मिलते हैं भाई 2 कप होल्डर्स, और ये देखो कप होल्डर में ये क्या स्पेशल चीज रखी हुई है भाई। अच्छा ये तो भाई साहब मोस्ट फेमस परफ्यूम जो कार ब्रांड में है Involve One का, ये है भाई मस्क। इसको एक बार कप होल्डर में ऐसे रख दो और जो गाड़ी में महक बनती रहती है ना भाई, डेट्स वेरी नाइस। इसके अंदर भाई देखो इस तरीके से ये लग के आता है, ये ना स्पिल प्रूफ है, इसके अंदर सॉलिड रहता है, तो ऐसे लिक्विड विक्विड भी नहीं है कि आपको भाई उसको बिखरने का डर रहेगा। फ्रेग्रेंस को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, इसमें ये प्लस माइनस वाला सिस्टम दे रखा है। मीठी मीठी सी प्यारी सी अगर आपको खुशबू चाहिए आप involveyoursenses.com पे जाके खरीद सकते हैं। साथ में हमको मिलता है इसका आर्मरेस्ट जिसके अंदर काफी अच्छा स्टोरेज भी है, इसकी हैंड ब्रेक आ जाती है भाई साहब। और अब ग्लव बॉक्स की बात करोगे तो ये इसका, बाकी ये इसका भाई मैनुअल IRVM में अपने को देखने मिलता है। सनग्लास होल्डर वगैरह हमको प्रॉपर गाड़ी में बेस मॉडल में स्टॉक ही मिल जाता है। पीली लाइट दे रखी है यहाँ पे कोई मिरर नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप जाओगे तो एक मिरर किया वालों ने जरूर से दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, ऑटो ऑन ऑफ का भी आपको फीचर मिलेगा, फ्यूल खोलना है आपको तो उसका बटन यहाँ पे दे रखा है। और किया वालों ने देखना यूरिया लेवल भी भाई पूरी मतलब पूरा करके नहीं दिया नई गाड़ी में, और फिर से ईंधन भरने के बाद मतलब इसमें हिंदी लैंग्वेज भी आती है, आप इस तरीके से ये भी चेंज कर सकते हो अपनी गाड़ी में। चलो इसका बोनट हुड खोलते हैं और मेन बात करते हैं भाई इसके इंजन स्पेक्स के बारे में, जो सबसे बेहतरीन चीज है इस गाड़ी के बारे में। और आपको वाइपर्स भी भाई नॉर्मल वाले ही मिलते हैं, एरो ट्विन वगैरह की आप एक्सपेक्टेशंस इनसे ना रखें। तो इंजन इनका भाई ये CIDI 1.5 लीटर का करीबन 115 BHP के साथ आपको 250 Nm का टॉर्क निकाल के देता है, और पावर वाइज इट इज जैम। जिन बंदों ने सेल्टोस चला रखी है उनको पता है ये रॉकेट की तरह भागता है भाई, बहुत मजेदार
अंधा पावर और बहुत प्यारी माइलेज, 18-19 की माइलेज प्यार से चलाते हो तो कहीं नहीं जाती। इंटीग्रेटेड विद IMT ट्रांसमिशन, ऑटो में भी 6 स्पीड आपको टॉर्क कन्वर्टर इसका देखने को मिल जाता है अगर आपको डीजल में लेनी है। पेट्रोल में भी मैनुअल में 6 गियर और ऑटोमेटिक में आपको 6 गियर ही देखने के लिए मिलता है। अब मेन बात आती है भाई सेफ्टी का क्या है, क्योंकि सेल्टोस थोड़ी सी बदनाम है क्योंकि 3 स्टार रेटेड गाड़ी है। जब से इनका क्रैश टेस्ट वगैरह हुआ और मार्केट में थोड़ी बदनामी हुई, इन्होंने सुधार लिया भाई। अब इस गाड़ी के अंदर बेस मॉडल से हमको 6 एयरबैग देखने को मिलते हैं, फ्रंट साइड और कर्टेन एयरबैग, ABS मिलेगा आपको सेफ्टी वाइज, ब्रेक फोर्स असिस्ट सिस्टम, चारों डिस्क ब्रेक मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, ये सारे सेफ्टी वाइज इन्होंने फीचर दे रखे हैं। लेकिन भाई चेसी का क्या, उसका कुछ नहीं कह सकते, वो तो अनस्टेबल है एज पर ग्लोबल एनकैप। बाकी इसके अंदर टॉप ब्रांड्स के अंदर जाओगे तो भाई टर्बो इंजन भी आता है जो करीबन 160 BHP निकाल देता है, 160 BHP 7 स्पीड DCT के साथ वो इंटीग्रेटेड है। बट बेस मॉडल में जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें ऐसा कुछ भी आपको बेस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलता, केवल एक पेट्रोल 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड अवेलेबल है अगर आपको बेस मॉडल चाहिए, और एक ही डीजल अवेलेबल है, डीजल में भी केवल IMT और पेट्रोल में केवल मैनुअल। आपको कैसी लगी भाई ये चॉइस और कैसी गाड़ी 13,60,000 में, वैल्यू फॉर मनी मेरे हिसाब से तो 120% है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।